हेलो गाइस, तो आज पता है आज कुछ अलग करने जा रहा है। आज हम घी जो है वो कुकर में बनाने वाले हैं। ये देखो, कुकर में सारी मलाई को इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले कुकर लिया, कुकर में थोड़ा सा नीचे पानी डाला है और मलाई जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर कर लिया और फिर उसमें डाल दी है मलाई। अब इसमें 2-3 सीटी आएगी और फिर उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं और आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैंने 2-3 वीडियो ऐसे देखे कि लोगों ने कहा कम टाइम में कम गैस खर्च करके आप कुकर में घी बना सकते हैं, तो आज मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या ये सही में मतलब कि अच्छे से घी निकल आती है। ऐसा तो वीडियो में दिखाया है 2-3 सीटी में आपको अच्छे से घी ऊपर मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा बस 5 मिनट लगेगा घी बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या इस बात में कहाँ तक और कितनी सच्चाई है। कुकर में मलाई करके मैंने भी रख दिया है और गैस की फ्लेम जो है वो हाई ही रखी है। 2-3 सीटी आ जाए फिर उसके बाद देखते हैं कुकर ओपन करके। 2-3 सीटी आ गई, गैस को बंद कर दिया, बट कुकर की कंडीशन देखिए क्या होता है। अब ओपन करने के बाद देखते हैं अंदर का क्या हाल है। मेरा तो ओपन करने के बाद अच्छे से घी नहीं निकला, बट मैंने जो वीडियो देखा था उसमें तो बड़े अच्छे से घी निकल आया था। तो फाइनली हम फेल हो गए। ऐसा कोई भी घी बंद करके कुकर में तैयार नहीं हुआ, मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है और वो भी कुकर में ही। और अब क्या ही कर सकते हैं, शायद मतलब प्रॉपर मुझे वे नहीं पता था कि कैसे बनाना है, बट जो जो था प्रोसीजर ना मैंने वो फॉलो किया, बट मेरे से तो नहीं। तो इसीलिए हम जो है फिर से कुकर में बनाने लगे हैं और मैंने कहा कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, कुकर में ही बनाना पड़ रहा है, कढ़ाई में नहीं, क्योंकि इसी में लगा हुआ था और फिर 3-4 बर्तनों में क्या ही घी लगाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि लॉफेट से बनाए। अब फिर से वीडियो देखा मैंने, बट लेकिन जो जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया ना वो सारा वही था, और पर मेरा पता नहीं क्यों नहीं बना। तो इस वजह से मैंने फिर से सोचा लो कुकर में अब खुला बनाते हैं। कुकर में घी बनाने का जो प्रोसेस था उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। एक तो 50 बर्तन मेरे गंदे हुए और पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाया। तो अभी उसके बाद हम लोग कर रहे हैं पानी पूरी पार्टी। आज की नाइट मतलब आज डिनर ही कह देंगे इसको, तो हम लोगों का चल रहा है पानी पूरी पार्टी। यहाँ पर आलू है, यहाँ पर दही, यहाँ पर पानी है और ये है एकदम फूले फूले से फचके। तो बस आज का यही डिनर है हम लोगों का, तो चलते हैं पानी पूरी एंजॉय। आज अब सभी लोग दोपहर में इतना ज़्यादा सो रही है कि रात में जो है नींद ही नहीं आ रही है। बज रहा है 11, हाँ, तो अभी सब दोपहर में सो गए थे और बहुत ही ज़्यादा सो रहे थे। जब एक सोना होता है तो एक कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सोना, तो बहुत ही ज़्यादा सो गए थे हम लोग, तो इस टाइम हम लोग को नींद आ नहीं रही है। सिद्धि नहीं सोई थी, ये खेल रही थी, फिर भी कुछ नींद नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं OTT, कोई हम लोगों को मूवी मिल जाए तो कोई मूवी देखते हैं जो एज अ फैमिली के साथ देख सकते हो। तो वही सर्चिंग चल रही है, सर्च करने का काम है सिद्धि का। सिद्धि अपने अकॉर्डिंग कोई फनी कॉमेडी मूवी लगाने वाली है। तो बस अभी क्योंकि नींद सबकी उड़ी हुई है, राघव भी सो गया था इसलिए राघव को भी नींद आ रही है। तो बस अभी देखेंगे थोड़ा सा मूवी वगैरह, पानी पूरी खा करके आज का डिनर हम लोगों ने किया। तो बस आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।